भारत में दो वयस्क लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। समलैंगिकता को अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुना दिया है। इसके बाद भारत में दो वयस्क लोगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं रहे हैं। लेकिन समलैंगिकों की इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या अदालत के फैसले के बाद भारत में समलैंगिक अब शादी कर पाएंगे? I'm just happy, you know, I'm just happy and I just hope that, you know, the fallout of this verdict would, you know, at least pave the way. We are really happy. We couldn't describe how we feel because till date we were like culprits. We were criminalized for who we are. ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। हम लोगों को मालूम है हम लोगों ने कितना मेहनत किया है सेंसिटाइज करने के लिए, कितना होमोफोबिया झेला है, कितना आरोप झेले, कितना मारपीट तक हम लोग ने देखा है। इन देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता, बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, डेनमार्क, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, जर्मनी और माल्टा देश में समलैंगिक शादियों को मान्यता। नीदरलैंड ने सबसे पहले दिसंबर 2000 में समलैंगिक शादियों को मान्यता दी। 2015 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को वैध करार दिया। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2017 में 62% अमेरिकी इसका समर्थन करते हैं। दुनिया के 26 देश ऐसे हैं जो समलैंगिकता को कानूनन सही करार दे चुके हैं। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। व्यक्तिगत चॉइस का सम्मान देना होगा, राइट टू लाइफ समलैंगिक का अधिकार, यह सुनिश्चित करना कोर्ट का काम है। एलजीबीटी समुदाय को यौनिक सुझाव से अलग करना नागरिक और निजता के अधिकारों से वंचित करना है। एलजीबीटी समुदाय को औपनिवेशिक कानून के जंजाल में नहीं फंसाया जाना चाहिए। गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर सबके लिए नागरिकता के एक समान अधिकार है। आरएसएस शादी के खिलाफ। आरएसएस ने समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन समलैंगिकता को अप्राकृतिक बताया। भारतीय समाज ऐसे संबंधों को मान्यता नहीं देता। समलैंगिक शादी का विरोध किया। अब आपको बताते हैं क्या है धारा 377। अंग्रेजों ने 1861 में धारा 377 भारत में लागू की थी। कानून के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था। कानून के तहत उम्र कैद या 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती थी। 1860 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 377 को शामिल किया था। उसी वक्त इसे भारत में लागू कर दिया गया। 1861 में डेथ पेनाल्टी का प्रावधान भी हटा दिया गया। 1861 में ही जब लॉर्ड मेकाले ने आईपीसी ड्राफ्ट तैयार किया तो इस अपराध के लिए धारा 377 का प्रावधान किया। इन देशों में गुनाह है समलैंगिकता। दुनिया में कुल 13 देश ऐसे हैं जहां गे सेक्स को लेकर मौत की सजा देने का प्रावधान है। इंडोनेशिया सहित कुछ देशों में गे सेक्स के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती है। सूडान, ईरान, सऊदी अरब, यमन में समलैंगिक रिश्ता बनाने पर मौत की सजा दी जाती है। सोमालिया और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में भी इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। सवाल, भारत में समलैंगिक जोड़ा क्या अपनी मर्जी से शादी कर पाएगा? क्या समाज उसे अपना पाएगा? पारिवारिक भविष्य भी सवालों के घेरे।
कुछ लोग समलैंगिकता को समाज के लिए खतरा मानते हैं। समाज को तोड़ने वाली पश्चिमी संस्कृति का विरोध, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, मानव अधिकार संघ मान रहा है बड़ा खतरा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे, सरकार भी ला सकती है संसद में बिल। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। समलैंगिकता अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बुद्धिजीवी भी दो खेमे में बटे नजर आते हैं। वहीं धर्मगुरुओं का मानना है कि यह अनैतिक है। कोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर देश भर में समलैंगिकों ने खुशियां मनाई और इसे बड़ी जीत बताई। लेकिन भारत जैसे देश में जहां धर्म और संस्कृति का विशेष महत्व है, ऐसे में क्या यहां इसे मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर मिलेगा? आखिर समाज इसे कितना स्वीकारता है, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष, समलैंगिकता, समाज और सवाल। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे, जो हिंदू धर्म के जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ अरुण पटेल साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुबह सवारे के प्रबंध संपादक हैं, और मेरे सहयोगी डीजियाना समूह के पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित राजेश दुबे, आपसे ही शुरू करता हूं, इसलिए कि भारत को कहा जाता है भारत एक धर्म प्रधान समाज है, और ऐसे में समलैंगिकता जैसे सवाल हमेशा विवादों में रहे, क्या नजरिया है उस पर आपका? भारतवर्ष सभी धर्मों का संरक्षण करने वाला देश है, और जब हम सारे धर्मों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर केवल एक पाई जाती है बात, वो है सच्चरित्रता का रहना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया समलैंगिकता का। अब समलैंगिकता जो है, इसे सरकार ने प्राकृतिक या अदालत, सरकार ने यहाँ पर अदालत कहेंगे, अदालत ने उसे प्राकृतिक न्याय मानते हुए और उनको जीवन के समस्त सुख बोधों का लाभ उठाने का अवसर दिया। सवाल ये उठता है कि यदि हम मानव की जो संस्कृति है इससे हटकर पशुओं की तरफ जाएं, तो ऐसा हे कर्म जो है पशु भी कदापि स्वीकार नहीं करते। आप देखेंगे पशुओं को बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पशु इस प्रकार के कृत्य से बचते हैं। हम लोग मानव है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम हमेशा हर पक्ष को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं। रहा सवाल जो गैस है, वो केवल आज हमारे यहाँ पर पैदा नहीं हुए, सालों साल से पैदा हुआ, और इनके आर्थिक विकास का ढांचा एक तय होता था। राज दरबारों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करने का दायित्व इनका होता था, संतानों को सुरक्षित पालने का इनका काम होता था, और गैस इस प्रकार से पाले जाते थे और वो समाज के ऊपर बोझ भी नहीं होते थे। शनै शनै ये परंपरा आगे बढ़ी, और बढ़ने के बाद में हमने ये देखे कि अब इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए किसी आश्रित व्यक्तित्व को ढूंढते हैं, व्यक्ति को ढूंढते हैं, और इस प्रकार से इन दोनों में जब समझौते हो जाते हैं तो ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो भी आप मान लें उस प्रकार के कृत्य में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये वासना से उन्मुक्त नहीं रह सकते, ये बात भी सच है। तो वासना के अधीन आकर ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, और जो सामान्य क्रम में वासना मनुष्य उपयोग में लाता है उसके अंदर कभी भी भावनाओं में नहीं आता है, बुद्धि और समझ के साथ चलता है, और ये ना समझ होके चलते हैं। सबसे बड़ी गलती इनकी ये होती है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रहा सवाल समस्त संस्कृतियों की जननी, यदि देखा जाए तो भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी आए, उन्होंने इस देश पर कब्जा करे,
राज्य करे, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर थी उसका फिर उन्होंने अनुपालन करे अपने स्थानों पर लौटने के बाद भी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि लोगों का जीवन रहने की लिविंग स्टाइल जो है, लाइफ ऑफ लिविंग आर्ट जो इनका वो बहुत शानदार है, तो उसको उन्होंने स्वीकार करे। और कोई भी इसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक होने की वजह से ये सारे का सारा गलत निर्णय हो गया है। अब चूंकि अदालत ने निर्णय करी है तो अदालत के खिलाफ नहीं बोल सकते, और अदालत में भी धर्म का नजरिया क्या है, मैं तो सिर्फ आपसे धर्म का नजरिया समझना चाहता हूँ। धर्म का अदालत अदालत के का अदालत ने एक छूट दी है जी, धर्म कि का ये अपराध नहीं है, लेकिन अदालत ने ये थोड़ी कहा है कि आप इसके बारे में अपने विचार नहीं रख सकते। नहीं, धर्म का नजरिया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी, धर्म इसको अच्छा मानता ही नहीं है जी, क्योंकि यदि ऐसी परंपरा डल जाएगी तो जो आज पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी नई संस्कृति को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो आगामी काल में हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है प्राकृतिक और अप्राकृतिक क्या है इसके ऊपर यदि हम सोचें तो विवाह का जो बंधन है जो आकर्षण से नहीं होता बल्कि वो सामान्यतः समझ से होता है, और जो ये बंधन होगा इससे आने वाली नस्लें उत्पन्न नहीं होगी, हमको समाज के अंदर में साथ ही साथ जो है उत्पत्ति का कारक भी देखना होता है। यदि हम देवताओं के पुराणों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे तो वहाँ बीजोत्पत्ति का वर्णन है विशेष, यहाँ पर बीज नष्ट हो जाएगा। मैं आपको रोकूंगा, आपका कहना है कि जो समाज का चक्र है, जीवन चक्र है, उस पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और धर्म के लिहाज से ये अनुचित है, सर्वथा अनुचित। क्या कहेंगे अरुण पटेल साहब आप इसको? मेरा कहना है कि अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने का तक सवाल है, अदालत के फैसले पर टिप्पणी की जा सकती है, जज की उस पर नियत पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि फैसले में कुछ गलत है तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यदि गलत केवल ये नहीं कह सकते उन्हें किसी नियत से या उनका ये फैसला देने का उद्देश्य गलत था, इसकी आलोचना आप नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। लेकिन फैसले के समाज पर व्यापक क्या असर पड़ सकते हैं इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर बातचीत कर सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 1861 का जो कानून है उसको क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला जाना चाहिए? जब हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है तो कुछ एक हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने ढंग से जीवन जिए, उसकी निजता की अधिकारों की रक्षा कोर्ट ने की है। अब इस के फैसले को समाज स्वीकार करता है या नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई कानून बन जाते हैं कोर्ट के फैसले हो जाते हैं लेकिन समाज उसको स्वीकार करने में समय लगाता है। तो दहेज प्रथा का आप ले लीजिए, कितने कानून बने हैं, दहेज आज भी दिया जा रहा है, इसी प्रकार से सजा का प्रावधान होने के बाद भी दहेज दिया जा रहा है, लेकिन समाज के उस वर्ग को जो अभी तक इसमें डर के जीता था उसको अब कम से कम पुलिस के परेशान के पकड़ने की परेशानी से बचेगा और मानवीय सम्मान के साथ जी सकेगा, उसको मतलब पुलिस का खौफ नहीं होगा जी। समाज में क्या असर पड़ रहा है इस तरह की चीज़ों का, इसलिए कि हम समाज में रहते हैं, हम मीडिया में, हमारी जिम्मेदारी भी इसको लेकर बहुत अधिक है, इस तरह के संबंध नहीं समाज का तो इसलिए असर कि समाज में हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार के लोग हैं, वो ये समाज का मूल धारा नहीं है जो है, ये अपवाद स्वरूप है, अपवाद हर समाज में होते हैं जी। इसको आपको क्या लगता है कि ये अपवाद उनकी बढ़ोतरी बहुत तेजी से इस तरह की चीजों की बढ़ोतरी होगी, एक कानूनी स्वीकार्यता हो गई, सुप्रीम कोर्ट जैसे इतने बड़े संस्थान ने एक एक सहमति सी दे दी इस तरह की चीजों को, तो इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो जो एक चीज जो अभी बहुत इस तरह मर्यादित ढंग से बहुत अमर्यादित रूप से सामने नहीं आती थी, पर्दे के अंदर अमर्यादित आचरण होता था, उसको कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया एक प्रकार से कि आप यदि रह रहे हो तो स्वेच्छा से रह सकते हो, आप अपने संबंध बना सकते हो इस मामले में। लेकिन जहां तक अभी पंडित जी ने भी कहा धर्म का कहा उसका व्यवस्था दी है, लेकिन इससे धर्म यदि भारतीय संस्कृति को सबसे बड़ा खतरा है तो पाश्चात्य संस्कृति का जो हमला चैनलों पर टीवी सीरियल्स में हो रहा है, जो कल्चर बदल रहा है, जो वेशभूषा बदल रही है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है, उससे ज्यादा खतरा है, उसको कैसे रोकेंगे, पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये आपने कहा कि धर्म में है धर्मगुरुओं का क्या असर होगा, अब धर्मगुरु पहले आजकल के धर्मगुरु तो आधे ज्यादा जेल में है जी, तो उनका आचरण भी वैसे हो रहा है देश काल परिस्थिति के अनुसार जी, तो उस हर तरफ जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो इस पर चिंतन करना चाहिए कैसे बढ़े कैसे सुधरे जी। लेकिन इस प्रकार के अब्बास समाज में पहले भी थे आज भी रहेंगे, केवल उनको कानूनी मान्यता मिल गई जी। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर अर्चना कश्यप भी जुड़ गई हैं। अर्चना जी ने बाकायदा इन समलैंगिकों पर, उनके मन स्थिति पर, उनके
उनके जीवन जिस तरह का है, जीवन शैली है, उस तरह की जो चीज़ें हैं और वो क्या चाहते हैं, उस पर पीएचडी की है। तो अर्चना जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो आपने अध्ययन किया, क्या सोच है उनकी, क्यों इस दिशा में इस तरफ वो आगे बढ़ते हैं, उनकी ऐसी क्या सोच है, उसके बारे में आपने क्या अध्ययन किया? देखिए, जब हम समलैंगिकता की बात करते हैं तो जिस तरीके से आज फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला हमारे देश में आज आया, तो वहां पर भी जजों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या यौनिक हमारी जो पसंद होती है वो बायोलॉजिकल होती है, ये बचपन से है ना, ये उम्र के साथ बढ़ती है। तो मैंने अपनी रिसर्च में भी यही देखा कि ये जो चीज है ये कहीं देखा देखी डेवलप नहीं होती है, ये हमारे अंदर इंटरनली होती है जब से हम पैदा होते हैं, तो वो वक्त के साथ बढ़ती है। इसलिए ये एक जो मानसिकता है समलैंगिकों के बीच में, ये समान सेक्स की तरफ वो आकर्षित होते हैं, तो ये उनका किसी तरीके का भी गुनाह या फिर हम कहें कि कोई फैशन नहीं है। ये हम और आपकी तरह एक आम इंसानों की तरह, जैसे हम एक आम इंसान अगर हम बात करें तो वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी तरह से एक जो समलैंगिक होता है वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये एक बायोलॉजिकल चीज है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा आप कह रहे हैं देखा देखी नहीं होता है, लेकिन समाज में ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति जो है, ख़ासतौर से मानव, वो प्रयोग धर्मी होता है, वो किन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी उसे होती है और उसे ये लगता है कि ये जो है ये भी एक प्रयोग करके देखा जा सकता है। और बहुत हद तक ये भी रहा है कि महिलाएं भी अक्सर शिकायत करती हैं कि जो उनके पुरुष साथी हैं वो इस तरह से ऐसा यौनाचार उनके साथ करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये भी एक उत्सुकता या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये इसका भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों के भी ये कारण होते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी चीज़ अगर प्रयोग के रूप में करते हैं या देखा देखी करते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म तक लेकर नहीं जाते हैं जी। हम उसको बहुत समय तक आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। हम एक प्रयोग करते हैं, दो प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारे जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं उनके बेसिस पे हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम जब किसी की देखा देखी या कोई चीज करते हैं तो हम उसको कंटिन्यूशन में नहीं लेकर चलते हैं, लाइफ टाइम नहीं लेकर चल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम समलैंगिकता के ऊपर बात करते हैं तो समलैंगिकता किसी इंसान के अंदर यौनिक अपनी पसंद, उसकी चॉइस की बात होती है, और वो क्योंकि बायोलॉजिकल है तो वो चीज आगे वो कंटिन्यू पूरी लाइफ टाइम चलता है या वो बीच में छोड़ नहीं देता है उस चीज को, तो ये चीज आगे चलती जाती है। और अगर हम बात करें महिला साथी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कंप्लेंट करती है, हाँ ये चीज है, महिला साथी कंप्लेंट करती है कि उनके पुरुष जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं या समलैंगिकता में जा रहे हैं या उनके साथ भी इस तरीके के प्रयोग, ऐसा व्यवहार करते हैं जी, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये कहीं कहीं बहुत सारे केसेस में देखने में आ रहा है। और वो वजह कहीं ना कहीं यही रही है कि क्योंकि उनको इस तरीके से एक डर के माहौल में जीना पड़ रहा था पहले, और अपने इस तरीके की यौन इच्छा पूरी करने के लिए शायद उनके पास चॉइस और कोई चॉइस नहीं, बिल्कुल चॉइस नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें अपनी महिला साथी के साथ करने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से फैसला आया है तो अब महिला साथी भी खुलकर बोल सकती है और पुरुष भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकता है। इस पर आपने जो रिसर्च किया, इसमें किसी कई तरह के सवाल उठते हैं कि कई तरह के मनोविकार की बात होती है, साथ में ये भी बात होती है कि कई तरह के यौन जनित रोग होने की भी आशंका होती है, एचआईवी के संक्रमण की भी आशंका होती है, अधिक बढ़ जाती है जी। इसका रिसर्च किया जी। देखिए, जहां तक हम बात करें, हम एचआईवी को इस चीज पे ज्यादा तोल कर देखते हैं कि हमने मतलब सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही था कि समलैंगिकता की वजह से एचआईवी और सारे प्रोग्राम, सारी जो भी एनजीओस के थ्रू और सरकार के थ्रू जो भी योजनाएं आई उनमें सबसे पहले यही देखा गया कि क्या इस क्षेत्र में एचआईवी के बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं। तो हम रिसर्च में भी ये देखा गया और शुरू से भी ये माना गया, एक चीज सारे रिसर्च में देखा गया कि अगर हम इस तरीके का फ्रीडम अगर हम देते हैं या तो सबसे पहले तो एचआईवी का परसेंटेज कम होगा, क्योंकि इससे यौन प्रताड़नाएं कम हो जाएगी,
हिंसा कम हो जाएगी, बलात्कार पुरुषों का शोषण ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आकस्मिक एचआईवी बढ़ने के जो चांसेस थे वो कम हो जाएंगे। लोगों को फ्रीडम मिलेगा तो वो उस कानून के दायरे में रहते हुए अपना मनपसंद एक साथी चुनेंगे, उसके साथ लॉयल्टी के साथ बिहेव करेंगे, ये भी इस कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं अगर अगर इस तरीके का नहीं होता था तो इनका शोषण ज्यादा होता था, ये मल्टीपल पार्टनर्स में जाते थे जिससे एचआईवी और अन्य जो गुप्त रोग होते थे इनके बढ़ने का खतरा होता था। ये मल्टीपल पार्टनर्स में नहीं जाएंगे, ये एक ही के प्रति समर्पित हो जाएंगे क्या? ऐसा 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 संभव है? मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के, लेकिन अभी आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णमोजा, क्या क्या मानते हैं? आपने आज इस पर दिन में भी चर्चा की थी इस पूरे विषय पर गंभीरता से। प्रियम भाई, देखिए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एक अलग है, लेकिन हम सामाजिक मान्यताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ दोनों धर्मों के जानकार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम धर्म आधारित राष्ट्र के लोग हैं। तो हमारी जो सामाजिक मान्यताएं, जैसे दुबे जी कह रहे थे और मेरे हिसाब से मौलवी जी भी इत्तेफाकी बात रखेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है जहां आज भी हम सेक्स को लेकर के परिवार में खुल करके बात नहीं कर पाते, ऐसे में समलैंगिकता, आपने देखा होगा कि लिविंग रिलेशनशिप भारत में आई, उसे कितने बुरे प्रभाव पड़े। यानी हम पाश्चात्य अनुकरण करने के लिए बिल्कुल तेजी से तैयार हैं, लेकिन समाज में कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस समलैंगिकता का असर हमारे परिवारों पे नहीं पड़ेगा? हमारे बच्चे क्या इस ओर आकर, जैसे अभी हम कह रहे थे कि मैडम कश्यप जो कह रही थी कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी जो योनि की चॉइस होती है वो अलग होती, लेकिन क्या बच्चे क्या प्रभावित नहीं हो सकते? क्या समाज स्वीकार करेगा इन सब चीज़ों को? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अब जब न्यूक्लियर फैमिली है, एक परिवार में एक या एक दो बच्चे ही होते हैं, ऐसे में यदि एक बच्चा या बच्चे उस दिशा में अगर आगे बढ़ गए तो परिवार के पास चॉइस भी नहीं है इस तरह की। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, जी बहुत चिंतन की ज़रूरत है। जैसे कि आज आपने इस विषय को उठाया है और हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के पूरे देश के अंदर भी एक अलग माहौल बना हुआ है। यानी एक मुश्किल से 1% लोग होंगे जो इस बात से बड़े खुश होंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को इसकी खुद से समीक्षा करना चाहिए और या तो फिर पुनर्समीक्षा याचिका भी दायर करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। डॉक्टर औशाफ शाह मेरी खुर्रम, क्या नज़रिया है अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो उसका क्या नज़रिया है इसको लेकर? देखिए रिजवान साहब, मुस्लिम समाज इस्लाम धर्म का पैरोकार है जी। मजहब इस्लाम में समलैंगिकता को मुतलकन हर हालत में हराम करार दिया गया है और उसके पीछे वजह है, कुदरत का कानून है, नैसर्गिक कानून। औरत की मर्द से शादी होती है, मर्द की मर्द से शादी नहीं होती, औरत की औरत से शादी नहीं होती। ये इसलिए है कि अगर मर्द की औरत से शादी होगी तो नस्लें आगे बढ़ेंगी, वंश बढ़ेगा। अगर मर्द की मर्द से शादी होगी तो वंश का नाश होगा, नस्लें नष्ट हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्ल कशी होगी। कुछ लोग जो मानसिक रूप से विकृत हैं, दीवाने पागल हैं, उन लोगों का ये एक चोंचला है समलैंगिकता। इसके बारे में कुरान में बाकायदा साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि मर्द की मर्द से शादी नहीं हो सकती, औरत की औरत से शादी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का कानून भी यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में हिंदुस्तान के मैरिज एक्ट का वायलेशन हो रहा है, भारत के विवाह अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, स्पष्ट उल्लंघन। विवाह अधिनियम में साफ तौर पर लिखा है, स्पेशल मैरिज एक्ट देख लीजिए या हिंदू मैरिज एक्ट देख लीजिए आप, दोनों में लिखा हुआ है औरत की मर्द से शादी होगी, मर्द की औरत से शादी होगी, औरत की औरत से शादी नहीं हो सकती, मर्द की मर्द से शादी नहीं हो सकती। पिछली बार जब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तब चंडीगढ़ में, दिल्ली में बहुत सारी जगह मैरिज रजिस्ट्रार किया, ऐसी शादियां समलैंगिक शादियां रजिस्टर्ड की गई जो गैर कानूनी है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इतने विद्वान काबिल लोग ऐसा कैसा फैसला दे सकते हैं जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, कानून कुदरत के कानून के खिलाफ है ये फैसला। और जैसा अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि 1% लोग, और वो 1% में नहीं 0.1% लोग हैं जो समलैंगिक हैं, बाकी हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबके धर्मों में साफ तौर पर स्पष्ट रूप से धार्मिक किताबों में लिखा है, उसी वही मान्यता चलती है कि औरत की मर्द से शादी होती है, औरत का मर्द से संबंध होता है। डॉक्टर खुर्रम जी, आप कह रहे हैं मानसिक विकार है, अभी हम डॉक्टर कल्पना कश्यप से बातचीत कर रहे थे, वो हमारे साथ अभी भी हैं, जुड़ी हैं, उन्होंने रिसर्च किया है बाकायदा, PhD की है इस पर, और उनका ये कहना है कि वो स्वस्थ लोग रहते हैं और वो जन्म के समय से ही उनका आकर्षण उसी तरफ होता है, वही आकर्षण है जन्म के समय से ही, तो एक वो भी एक नेचुरल चीज़ है, आप प्राकृतिक कह रहे हैं, वो भी एक नेचुरल है। धर्म की किताब क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, ये अपनी जगह उतना ही सम्मानजनक है, लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, वो भी उसका भी तकाजा है। रिजवान साहब, बायोलॉजिकली या जियोलॉजिकली जो भी आप बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली जी, मंद बुद्धि के बच्चे भी तो होते हैं जी, मनोरोगी बच्चे भी तो होते हैं जी, तो मनोरोगियों का इलाज किया जाता है जी, उनको ऐसा खुला नहीं छोड़ा जाता जी, मनोरोगियों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने जी, पागल खाने हैं जी, वहाँ इलाज कराइए उनका। चलिए डॉक्टर कल्पना कश्यप, आपसे ही समझना चाहता हूँ, सिर्फ इतना समझूंगा, डॉक्टर औशाफ शामिरी खुर्रम का ये मानना है कि ये एक मनोविकार है, और जन्म से बायोलॉजिकल अगर हम उसकी बात करें तो बहुत तरह के विकार लोगों के होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कुछ और तरह के बच्चे भी जन्म लेते हैं, तो इसे इलाज की ज़रूरत होती है ना कि बढ़ावा देने की। देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम सभी धर्मों का सम्मान करना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो काफी सारी रिसर्च हो चुकी है दुनिया भर में, अब तक संयुक्त राष्ट्र से लेकर तो भारत तक और बहुत सारे छोटे छोटे देशों में हमने तो आज इस तरफ कदम बढ़ाया है अपना, लेकिन जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसमें सबसे पहले ये चीज सामने आई थी कि ये किसी भी तरीके का मानसिक विकार नहीं है, है ना, ये पूरी तरीके से स्वस्थ लोग हैं जो अपनी एक आम पसंद रखते हैं, अपनी एक चॉइस रखते हैं। सिर्फ आम लोगों में और इनमें एक चीज का डिफरेंस है या फर्क है कि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौनिक चॉइस हम बोलेंगे अगर, तो वो सेम सेक्स में है और ये कहीं से भी अननेचुरल नहीं है। देखिए, शादी, हाँ, एक पुरुष और एक महिला की शादी, ये हमारा एक सामाजिक रूल था जो बनाया गया है, जिसका बेस भी यही था कि बच्चे होने चाहिए और समाज आगे बढ़ना चाहिए, मानव समाज, ये इसका आधार है। लेकिन प्यार और आपकी यौनिक पसंद, ये इनसे बिल्कुल अलग है। हर इंसान की अपनी एक यौनिक पसंद है। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, आपने रिसर्च के दौर में ये पाया कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां लोग अपनी इस तरह की इच्छा, सिर्फ यौन नहीं, ऐसी इच्छा, किसी को सजने संवरने का शौक था, किसी को कुछ और तरह का, इसलिए कि घर इजाज़त नहीं देता, परिवार इजाज़त नहीं देता, समाज इजाज़त नहीं देता, तो वहाँ जाकर वो अपनी उस तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते रहे हैं। वो भी आपने ऐसे भी कुछ चीज़ें अपनी रिसर्च में देखी हैं, लिखी, उसको वो क्या है, अगर उसको हम आपसे समझें। देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर वर्ग को उसके अधिकारों को उसकी एक मानसिक शांति के साथ लेके चलें। तो इसी आधार पर कई सारे NGO, कई सारे रिसर्च सेंटर्स, जिन्होंने ये देखा कि ऐसी मानसिकता के साथ भी लोग जी रहे हैं और ऐसी सारी चीजों के साथ लोग दब कर रह रहे हैं, वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसलिए इस तरीके की एक छोटी छोटी संस्थाएं जो इनके लिए काम करती हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे जगह उपलब्ध कराई, ऑफिस एरिया उपलब्ध कराया जहां पर वो
बैठ सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं इस विषय से रिलेटेड, इस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग और भी लोग आकर जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और जो इन काउंसलिंग या फिर और अलग मुद्दे हैं जो जिन पे बात होनी चाहिए, कहीं शोषण हो रहा है या कहीं और कुछ ओपन उनको मिलता है समाज में परिवर्तन के लिए दिखता है, वो सब आपस में चर्चा करते हैं, वहां बैठते हैं और वहां इस तरीके से एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस भी शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं भी एक दूसरे को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज छुपी हुई है, अगर वो पुरुष है और उसके अंदर एक महिला वाला दिल है ना, बचपन से जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ शुरू से, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं की तरह ही दिखना, सजना, संवरना चाहेगा और वो अपने आप को प्रेजेंट भी महिलाओं की तरह ही करना चाहेगा। तो वो इस तरीके की जगह अगर मिलती है और उसको उस तरीके के लोग भी मिलते हैं जो इस रूप में उसको स्वीकार करेंगे, उसको पसंद करेंगे, तो इस तरीके की एक जगह अवेलेबल कराई जाती है जहाँ वो आकर बैठ सके, अपने जैसे चार लोगों से बात कर सके, समझ सके। और अगर हम परिवारों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सोच बदलेगी, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बिल्कुल सोच बदलेगी। जैसे हमने ट्रांसजेंडर, डॉक्टर कल्पना कश्यप, आपको मैं रोकूंगा जी। अमित पटेल साहब, आपने सुना अवशाप शामीरी खुर्रम कुछ कह रहे थे कि ये जो मैरिज एक्ट है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने में उसको लेकर तो कोई फैसला किया नहीं, और मैरिज एक्ट और अब ये 377 जो है वो अपराध नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं वो आपस में कहीं ना कहीं उसमें कुछ विरोधाभास का वो जिक्र कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको इस रूप में देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मैरिज हो सके इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, केवल ये अपने इलीगल नहीं है, यौन संबंध जो है वो इलीगल है, यौन संतुष्टि जिसको जिससे मिल सकते हैं सब करेंगे जी। इस दूसरा मैरिज एक्ट के खिलाफ, अभी मैरिज इनकी होगी ये भारत में अलाउ नहीं हुआ है जी, मैरिज तो नहीं हो सकती। एक चीज ये भी देखना पड़ेगी, हर समाज में, हर देश काल परिस्थिति में कुछ वर्जनाएं रही हैं और ये वर्जनाएं ये भी हैं, वर्जनाएं मूल धारा समाज की कभी ना हुई ना आगे हो सकेंगी, उनको साथ रह के चलना होता है, लेकिन उनको अब एक सामाजिक मान्यता इस रूप में मिलेगी, वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा और इसका कुछ नहीं, लेकिन इससे समाज पर असर पड़ सकता है, तो समाज को ही इसके लिए जागृति पैदा करना होगी कि इस प्रकार की जो मनोरोग तो नहीं कह सकते, इस प्रकार की जो आरंभ से ही लोगों में वो हो जाते हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उनको तो उनसे बात करके ये किया जा सकता है, उनको है या ना उसकी दृष्टि देख के नहीं कर सकते आप, उनको आप कह रहे हैं उनको एक काउंसलिंग की जरूरत है, समाज में अपने साथ जोड़ने की, उनकी भावनाओं को समझने की, और उस तरह इसमें ज्यादा बताएंगे। एक ख्याल आया कि हमारे हिंदू समाज में भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर माना गया है, मतलब एक आदमी के अंदर आदमी भी है, पुरुष भी है और स्त्री भी साथ रहती है। मुझे ये सवाल पूछने की झिझक थी, विष्णु भी किस रूप में व्याख्या करें, विष्णु भी इस तरह के रूप में आए थे, विष्णु जी ने आके जाने की कोशिश की, उस रूप में आए थे, मेरे मन में झिझक थी ये सवाल पंडित राजेश दुबे से पूछने की, अर्धनारीश्वर स्वरूप जब हमारे समाज ने माना है इसको भी माना जाना चाहिए, लेकिन इसमें वंश वृद्धि के कितने लोग इस प्रकार के हैं, 1% से भी कम है, ये समाज की मूलधारा नहीं है, ये वर्जन है। बिल्कुल पंडित राजेश दुबे, दो बातें तो अरुण पटेल साहब ने कही जी, अर्जुन के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने अज्ञातवास में कुछ समय उसी रूप में बिताया, तो ये जो चीज है ये इनको इनसे जोड़ा जा सकता है, क्या है, कैसा है, इसको कुछ लोग इसको जोड़ते हैं जी। एक चीज और जोड़ दूं, उसके बाद एक साथ आप में जवाब देंगे पंडित जी, कि महाभारत काल में भी किन्नर का सहारा लिया गया था, हाँ, शिखंडी की बात, बिल्कुल, तब उस समय क्या सामाजिक मान्यता नहीं थी उसको, उसको एक दृष्टि से दिखा गया, ये पंडित राजेश दुबे कह रहे थे, ये तो उन्होंने पहले कहा, बच्चों के लालन पालन, रानीवास में रानियों की संरक्षण और इस तरह के बहुत तरह की चीजों में उनका उपयोग होता रहा है और सम्मानजनक ढंग से वो अपना रोजगार कमाते हैं। जी ने जो कहा है जी, वो गेय अलग होता है और किन्नर अलग होता है, राजा में किन्नर रखे जाते थे जी, देखने इस प्रकार के गेय लोग अलग नहीं थे, वो ना किन्नर होते थे ना गेय होते थे, वो लोग वृणला होते थे, वही शब्द है जी, ये सब वही चीजें हैं, इसको अलग अलग ढंग से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये है वही, किसी पुरुष में महिला बनने की इच्छा जागृत होती है तो है बिल्कुल उसी तरह की चीजें, थोड़ा सा इसके नाम अलग अलग हैं, बायोलॉजिकल कुछ टर्म थोड़े थोड़े उसमें अंतर हो सकती है। पंडित राज जी कुछ कहेंगे भाई, एक प्रश्न उठा कि भगवान श्री शिव अर्धनारीश्वर के अवतार में थे, भगवान श्री विष्णु शिव
अनेकों बार कुछ रूप में आए, अर्जुन ने भी उस रूप को धारण करे और युद्धों के अंदर इनका उपयोग हुआ। प्रश्न ये उठता है कि उनका मूल प्राकृतिक भाव क्या था शिव का? जी, तो शिव का प्राकृतिक भाव जो माना गया है वो लिंग और ब्राण दोनों मिलके बनते हैं भगवान, है ना, इसे ओघड़ भाषा में कहा जाता है। लेकिन जो शिव का अर्धनारेश्वर का अवतार बताया गया, जिसका वर्णन किया गया, उसको गे से कतई नहीं जोड़ा सकता, जाड़ जा सकता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इससे भगवान शिव की हम अवमानना अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो परकाया सिद्धि एक हमारे जीवन में प्रयोग होता है, उसका वो उपचय उपाय माना गया था। भगवान विष्णु या अर्जुन ने या जिसने भी जब कभी इसका उपयोग किया तो उसका मूल लिंग वहीं पर था, केवल वो उसने अपना बाहरी परिवेश बदला था और उसे छलकी श्रेणी में लिया जाता था। उसे भगवान विष्णु से जोड़ना उनका अपमान करना होगा और ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं। यदि कोई जवाब इस प्रकार से इस बात को उठाएगा तो इसका जवाब भी सामाजिक रूप से धार्मिक लोग देंगे, मुँह तोड़ दिया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, गे से भगवान को नहीं जोड़ सकते। रहा सवाल किन्नरों का, तो किन्नर और वृहन लल्ला ये दोनों एक ही चीज़ मानी गई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये मैडम जी ने, जो कश्यप मैडम है, उन्होंने कहा कि प्रेम, योनि और प्रसंग तीन बातें आती है। मुझे बताइए, किसी की योनि है और किसी को प्रेम पैदा हो गया और उसका प्रसंग किसी पशु के साथ हो जाए तो क्या उसे इजाजत देंगे? अरे ये कहाँ का न्याय कर रहे हैं हम लोग? हम क्या इसका दुरुपयोग करना चाहते? बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, आप पढ़ें लिखें, उसके ऊपर शोध करें। यह अन्वेषण करना हमारे भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत रहा है। लेकिन ध्यान रखें, मूल सिद्धांत से हटकर यदि उसको देवताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया तो सत्य कतई ये स्वीकार करने योग्य नहीं, सर्वथा इसे नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिए हमेशा, उनका जो स्वरूप है वो परकाया सिद्धि, उसको समझ ही नहीं पाए। युद्ध के रण कौशल में वृहन लल्ला है, वहाँ पर उसे स्वीकार किया जा सकता है, या किन्नर है तो स्वीकार कर सकते, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ है। और रहा सवाल कि यदि गे है और उसकी इच्छा हो गई और उसकी मानवीय प्रवृत्ति मान के कि उसको उस चीज़ के भोग की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, उसे दे दिया जाए, तो फिर एक भोके को चोरी करने की आवश्यकता होती है, फिर चोरी का अपराध भी खत्म करिए, एक बदमाश को हत्या करने का मन होता है तो उसको भी हटाइए। फिर पंडित जी, मैं रोकूंगा, चर्चा कम है समय। औसाफ शामिल खुर्रम, आपसे भी समझना चाहूँगा, पंडित जी ने बहुत ढेर सारे तर्क दिए, आप क्या कहेंगे? और डॉक्टर कल्पना कश्यप भी कुछ कह रही थी, उसको भी आपने सुना है। देखिए, ये जो समलैंगिकता है ये गैर इस्लामी है, इस्लाम में हराम है, मुसलमान तो इसको मानेगा ही नहीं किसी हालत में। जी, एक हिंदुस्तान में नैसर्गिक न्याय व्यवस्था है। जी, नैसर्गिक न्याय व्यवस्था समाज के ताने बाने पर आधारित है। जी, समाज नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत काम करता है, हर समाज, वो धर्म कोई सा भी हो, संप्रदाय कोई सा भी हो। अगर आप अप्राकृतिक, गैर कुदरती, अननेचुरल काम करेंगे, कोई भी कबूल नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब अगर कोई मानसिक रूप से विकृत है या देखने में भला चंगा दिखता है तो मेडिकल अनेक रिसर्च है कि मानसिक रूप से ये विकृति नहीं है, ये मेडिकल रिसर्च है। रिजवान साहब, मर्द में मर्दांगी होती है जी, औरत में औरतपन होता है जी, ये बीच का क्या होता है? ये कुछ लोगों का जन्म से है, कुछ लोगों में ऐसा इस तरह की समस्या है। डॉक्टर कल्पना कश्यप ऐसा कह रही थी, उनकी रिसर्च है उस पर बाकायदा। तो मैं आऊंगा डॉक्टर कल्पना, आपके पास आऊंगा जी। उन लोगों का इलाज कराइए ना भाई जी। ईश्वर के कानून को आप बदल सकते हैं, ईश्वर ने किसी को मर्द बनाया है जी, और ईश्वर ने किसी को बीच का बनाया है, तो फिर ना 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 जी, यही तो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगर ईश्वर ने किसी को मर्द बनाया है तो वो मर्द बन कर रहे जी, औरत बनने का मतलब वो अप्राकृतिक काम कर रहे हैं आप जी, कुदरत के कानून में दखल दे रहे हैं। चलिए, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर कल्पना कश्यप, आपसे एक सवाल। जो पंडित राजेश दुबे कह रहे थे, किसी का आकर्षण यदि किसी पशु के प्रति इस तरह से होने लगा, पुरुष का पुरुष के प्रति हो रहा है, नारी का नारी के प्रति हो रहा है, और यदि किसी का ऐसे
पशुओं की तरफ भी आकर्षण होने लगा, या इस तरह की और भी चीज़ें जो अप्राकृतिक एक तरह से मानी जाती रही हैं, धर्म तो अभी भी इसको अप्राकृतिक मानते हैं, कानून ने जो है वो एक इजाज़त दे दी है, इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा पंडित राजेश दुबे कह रहे थे, यदि इस तरह की भी लोगों की यौन इच्छाएं अगर इस तरह से भी होने लगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जा रहे हैं? पहले पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम धारा 377 को समझें, और उस सबको समझने के बाद उसमें जो आंशिक परिवर्तन किया गया है उस चीज को समझना पड़ेगा। अभी जो हुआ है, जो परिवर्तन किया गया, ये जो फैसला आया है, ये एक आंशिक परिवर्तन है धारा 377 में। यहाँ अगर हम जानवरों की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से भी मुझे मतलब समझ नहीं आई बात, ये क्यों हम जानवरों की बात कर रहे हैं, या क्यों जरूरी है कि हम हर बात को धर्म से जोड़ कर देखें? क्यों जरूरी है? हर चीज का आधार धर्म नहीं हो सकता है। और मैं अगर बात करूं तो मैंने अपने रिसर्च के दौरान मुस्लिम, हिंदू और बाकी अदर कम्युनिटीज, बाकी धर्म जाति के लोगों को भी इस कम्युनिटी में शामिल देखा है, ये भी एक सच है। तो हम क्यों ये चीज पर धर्म को लेकर बात करना जरूरी है हमेशा, या ये बोलना जरूरी है कि आज अगर पुरुष का पुरुष के प्रति या महिलाओं का महिलाओं के प्रति आकर्षण देखा जा रहा है और उसको अगर हमने स्वीकार करने के लिए फैसला आज आ गया है तो कल अगर वो जानवरों के साथ, ये इस तरीके की बात ही नहीं है, क्योंकि 377 में जानवरों के साथ या फिर किसी की मनमर्जी के बिना उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया जाता है तो ये अभी भी उस धारा के अंतर्गत आता है, सजा के लिए काबिल माना जाएगा। बिल्कुल, चल जी, इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। कृष्णा जी, आपसे अंतिम सवाल है मेरा, इस पर धार्मिक विचार आ गया, सामाजिक विचार भी आ गया, रिसर्च भी आ गई, पत्रकारों की तरह आप दोनों भी अपने उस पर तर्क रख रहे हैं, सियासी विचार, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस पर, और एक वो कानून के बड़े जानकार हैं, बड़े वकील भी हैं और साथ में एक बड़े नेता हैं भारत सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने तो इसका पुरजोर विरोध किया, कहा है कि सरकार को इस पे और बड़ी बेंच पे जाना चाहिए। राजनीति में बहुत तरह के विचार तो इस पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति में इसको लेकर पक क्या रहा है आखिर, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो रुख है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, बाकी सियासत में इसको लेकर किस तरह के विचार हैं? देखिए रिजवान भाई, क्योंकि खुर्रम साहब और राजेश दुबे जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें स्वीकारोक्ति इसकी हो ही नहीं सकती। जब धार्मिक मान्यताओं में स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती तो 0.1% लोगों को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक यानी जो सियासतदार हैं वो इसमें कूदने वाले नहीं। जिस ढंग से आपने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सही बात कही है और हमें इसका स्वागत भी करना चाहिए और हायर लेवल पर इसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। जिस ढंग से आपने देखा कि चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद संसद में बहस हुई, इस प्रकार की चीज़ें जरूरी है, क्योंकि आप समाज को क्या दे रहे हैं, जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, किसी भी ढंग का खिलवाड़ हुआ है तो उसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ा है। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ जो है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हों, वो नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कुछ हो। और रही बात, क्योंकि ये डिसीजन आने के बाद समाज में इस विषय को लेकर एक खुल करके चर्चा हो रही है, जैसे मैडम कश्यप ने कहा, ये उनका उनके अध्ययन का कुछ तथ्य हो सकता है, लेकिन हम इसको स्वीकार कर पाएं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत बड़ी बात यह है कि आज परिवार एकल परिवार हो गया है, आज एक बच्चे दो बच्चों के साथ चल रहा है, ऐसे में हम कहाँ ले जाएंगे परिवार को? बिल्कुल कृष्ण जी, आप हमारे साथ जुड़े, पंडित राजेश दुबे आप हमारे साथ जुड़े, अरुण पटेल आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अशरफ शामिरी खुर्रम आप हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर कल्पना कश्यप आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि समाज जो है लोगों से मिलकर बनता है, और समाज में क्या स्वीकार किया जाता है, क्या अस्वीकार किया जाता है, एक बड़ा सवाल है। आप किसी पर कोई चीज़ थोप नहीं सकते, लेकिन निजता का भी सम्मान बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या निजता के नाम पर हम पाश्चात्य सभ्यता पर इस हद तक बढ़ना चाहते हैं कि फिर हमारा अपना कुछ न रहे? इसलिए कि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, दुनिया के हम संपर्क में हैं, दुनिया में रोज़ बहुत कुछ घटता है, तो क्या हमको हर चीज़ दुनिया के हिसाब से अपना लेनी चाहिए? लेकिन हमारी भी जो अपनी परंपराएं हैं, या हमारी अपनी मान्यताएं हैं, या हमारे धर्म की जो हमारे लिए
बाध्यताएं हैं या जो आज़ादी है, क्या हम उस पर भी चिंतन करेंगे? सवाल बहुत है। सियासत इस पर उस हद तक होगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हर चीज़ में इस तरह से लोगों के अपने अपने मत ही इस भारतीय संविधान की पहचान है, इस देश की खासियत है। फिर भी क्या समलैंगिकता को इतना प्रश्रय देना ज़रूरी है? इस पर सवाल उठते रहेंगे। बड़ा वर्ग इसे अप्राकृतिक मानेगा और एक वर्ग जो इस तरह की लड़ाई लड़कर उसे लगता है कि उसने एक जंग जीत ली है फिलहाल, वो इसके प्रति बहुत खुश भी नज़र आ रहा है। लेकिन समाज में लेकर इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।